जलधर रुचिर विकासम, पीत वसनधर सुंदर नटवर मधुर विकस्वर सुललित हासम। स्मरण कैसे आया आप जानते हैं, काशी के विद्वान यहाँ बैठे हैं, श्री सुब्रह्मण्य शास्त्री जी, श्री पट्टाभिराम जी, श्री राम प्रसाद जी त्रिपाठी, सबका नाम तो हम कैसे लें, करूँ त्रिपाठी जी तो हैं ही, हम तो इनको अपने घर का मानते हैं, पंडितों में तो नहीं मानते। हम श्री शिव कुमार शास्त्री जी महाराज के ही वंशज हैं एक प्रकार से। हाँ, नाद वंश और बीज वंश, तो इनके साथ तो हम अपना बहुत संबंध मानते हैं। आज काशी से पंडित राज श्री राजेश्वर शास्त्री जी के पुत्र पधारे, पंडित राज श्री रघुनाथ शर्मा के पुत्र जो न्याय वेदांताचार्य हैं, नरेंद्र हमारे बहुत प्रिय है, वे पधारे और उत्सव का जो फल है उसकी प्राप्ति का नाम ही समाप्ति है। वो समाप्ति माने अंत नहीं, समाप्ति माने सम्यक प्राप्ति। तो भाई उत्सव का फल तो यही है। श्री सत्यमित्रानंद जी भूतपूर्व विदिशा पीठाधीश्वर, जिन्होंने भारत माता का मंदिर कनखल में बनाया है, सप्त सरोवर में, एक बार मैं कनखल में, देखो इसे मन कैसे बानर की तरह यहाँ से वहाँ जाता है, वो मैंने स्वामी भागवतानंद जी महामंडलेश्वर से कहा कि को न खलो यत्र, जहाँ कौन खल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, कोपी न खलो यत्र, जहाँ कोई खल नहीं है, ये वित्पत्ति है। तो बड़े शास्त्रविद थे, मैंने उनसे उपनिषदों का शांकर भाष्य उनसे अध्ययन किया था, बरसों तक उनके संपर्क में रहे, भूल गया था मुझे नाम, एक उनके यहाँ वाक्य लिखा गया था, गंगा कनखले पुण्या। मैंने कहा इसका क्या अर्थ है, गंगा कनखले एव पुण्या नान्यत्र, अथवा कनखले पि पुण्या, सर्वत्र तो पुण्यैव कनखले पि पुण्या, क्या अर्थ है इसका, इससे तो गंगा जी की कोई महिमा नहीं बढ़ी। तो उन्होंने बताया कि गंगा कनखले पुण्या का अर्थ है कि सर्वत्र गंगा पुण्या, कनखले तु पुण्य तरा, गंगा सर्वत्र पवित्र है लेकिन कनखल में गंगा पुण्य तरा है। ऐसी विद्वानों से सुनी हुई बात आपको सुनाते हैं। हाँ, तो अब आ जाते हैं ब्रज भूमि में। हम तो महाराज एकम ब्रह्मास्त्र मादाय वाले हैं। कोई इसमें छिपाव की दुराव की बात नहीं है। एकम ब्रह्मास्त्रमादाय नान्यम गणयत क्वचित आस्ते न धीर वीरस्य भंग संगर केलिशु। ब्राह्मण महासम्मेलन में जो विद्वानों का विचार हुआ था उसको बहुत निकट से मैंने सुना,
संघ वेद विद्यालय के कितने उत्सव देखे। गणेश चतुर्थी पर जो वहाँ उत्सव होता है, महाराज अपने मन में निंदा स्तुति का भाव भी, खंडन का भाव बहुत था। जब श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास में पहुंचा वृंदावन में, और मैंने किसी की स्तुति की, प्रशंसा की, तो उन्होंने कहा, बेटा बसंत ही प्रेम निगुणा न वस्तुनि, वस्तु में कोई गुण दोष निवास नहीं करते हैं, जिससे प्रेम होता है उसमें गुण दिखते हैं, जिसके प्रति द्वेष होता है उसमें दोष दिखते हैं, ये गुण दोष दोनों ही सवासन अंतकरण में ही होते हैं, निर्वासन अंतकरण में नहीं होते हैं। ये गुरुजनों से शिक्षा मालूम तो था कि ब्रह्मैव वेदम सर्वम, सद्हिदम सर्वम, चिद्हिदम सर्वम मालूम था, परंतु जब श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने ये बात कही कि बसंत ही प्रेमणि गुणान वस्तुनि, साक्षात्कार हो गया हो निर्गुण तत्व में, निर्गुण तत्व में गुण दोष दृशिर दोषः गुणस्तुभय वर्जितः, गुण दोष दृष्टि करना ही दोष है, गुण दोष दृष्टि न करना ही सबसे बड़ा गुण है। महाराज एक हमारे संत रहते थे काशी के पास, श्री गोपीनाथ जी कविराज महाराज उनके पास कभी कभी जाया करते थे। उनके अभिनंदन ग्रंथ में टोरी वाले बाबा के नाम से उनका परिचय छपा है, श्री गोपीनाथ जी कविराज। केवल विद्वानों के मनोरंजन के लिए सुनाता हूँ। उन्होंने कहा, गुरु, हम सब लोगों को गुरु ही बोलते थे, गुरु बनारसी बोली है आप जानते हैं, वहाँ तो बोलते हैं गुरु, गुरु जुतवा लेतावा। ये बनारसी बोली है। हाँ, कोई आ जाए जान पहचान का तो पूछते हैं, आप कब बनारस में पधारे, हमको सूचना नहीं दी हैं? अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं किया आपने, सूचना नहीं दी। अच्छा तो आप कब जा रहे हैं? वहां तो ये है बाबा, हैं, हमारे यहाँ आओगे तो क्या क्या लाओगे, और तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या क्या खिलाओगे। देखो हम वहीं के हैं, है ना, हमारी जन्मभूमि वहीं की है, आप लोग समझ लो। तो हम तो वो हैं जो एकम ब्रह्मास्त्रमादाय अनान्यम गणयता क्वचित आस्ते न धीर वीरस्य। हर्ष ने कहा, क्षेप्तुम चिंता मणिम पाणौ लब्धम अबधौ यदिच्छत। आपके हाथ में एक चिंता मणि आ गई है, यदि इसको तुम फेंक देना चाहते हो तो नारायण इसका अनादर करो। हाँ, तो गुण दोष की चर्चा छोड़ दो, तुल्य निंदा स्तुति। नहीं तो महाराज सत्पुरुषों को तो यहाँ के जो वृंदावन के सत्पुरुष हैं, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी महाराज का वचन है, अप्रेक्ष्य क्लमम आत्मनो विदधति प्रीत्या परेशां प्रियं लज्जन्ते सुख दुरितोद्यमादिव, लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निजस्तोत्रानुबन्धादपि विद्या वित्त कुलादिभिश्च जदमी यान्ति क्रमान् नम्रताम् रम्या कापि सतामियं विजयते नैसर्गिकी प्रक्रिया।
अपनी स्तुति नहीं सुननी चाहिए संत का। इसको देखो, रम्या कापि सताम इयम विजयते, इसके उच्चारण से भवभूति आ गए सामने। प्रिय प्राय आवृत्तिर विनय मधुरो वाचि नियमः प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगीत परिचयः पुरो वा पश्चाद वा तदिदम अभिपर्ज्यासि तरसम रहस्यम साधूनाम निरुपधि विशुद्धम विजयते। साधु जीवन का रहस्य है वो प्रिय प्राय वृत्ति, चित्त वृत्ति सबसे प्यार करती है। प्रिय प्राय वृत्ति ही वृत्तिर जीविका। इस ढंग से जीविकोपार्जन करते हैं कि किसी को दुख न पहुंचे। प्रिय प्राय वृत्ति ही वर्तनम आचरणम। प्रिय आचरण सबको प्रिय लगे ऐसा आचरण। विनय मधुरो, विनय की मिठास। मधु एव मधुरम अथवा मधुर राति इति मधुरम। विनय की मधुरता संत में रहनी चाहिए। सब संत यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वाचि नियमः, चाहे जो बोल दें, बाग बैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। व्याख्यानम ख्याति ही, दर्शनेषु ख्याति शब्देन यः पदार्थः उच्यते सैव व्याख्यानम। ख्याति ही भ्रम इत्यर्थ, ख्यातिर नाम भ्रमः। श्री सुरेश्वराचार्य ने कहा, न ख्यातिर लाभ पूजे वा ग्रंथ निर्माण कारणम किंतु बोध परीक्षार्थम तत्वज्ञ निकषास्मसु। हम जो बोल रहे हैं वो ख्याति लाभ पूजा के लिए नहीं बोल रहे हैं, तत्वज्ञ रूपी कसौटी पर, तत्वज्ञों की कसौटी पर अपने बोध की परीक्षा देने के लिए। ऐसे ही प्रसंग था कि ये कहीं वार्तिक लिखने में कर्मकांड न जोड़ दें, परीक्षा हुई थी सुरेश्वराचार्य की, परीक्षा हुई थी। हाँ, ब्रह्मविन निकषास्मसु, तत्वविन निकषास्मसु। शास्त्री जी ने ठीक पाठ बताया, ब्रह्मविन निकषास्मसु। ये तो विद्वानों के बीच में बोलना अपने को कसौटी पर चढ़ाना है महाराज। आज श्री सत्यमित्रानंद जी आए, श्री सद्गुरु शरणानंद जी आए, बहुत आनंद, बहुत आनंद। परंतु तत्व तो वही है महाराज, अखंड एक रस, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म। क्योंकि आप एक दृष्टि देखें, यदि हमसे भिन्न ब्रह्म होगा तो प्रत्यक्ष होगा कि परोक्ष होगा कि अपरोक्ष होगा। यदि हमसे भिन्न ब्रह्म प्रत्यक्ष होगा तो वो ऐन्द्रियक होगा, जड़ होगा। यदि हमसे भिन्न ब्रह्म अपरोक्ष होगा तो काम क्रोध स्वप्न सुषुप्ति के समान अपरोक्ष होगा, अनित्य होगा, आने जाने वाला होगा। और यदि ब्रह्म हमसे भिन्न परोक्ष होगा तो स्वर्ग आदि के समान कर्मजन्य होगा, केवल श्रद्धा मूलक होगा, कभी अनुभव उसका होगा ही नहीं। मरने के बाद होता हो तो इस अमंगल को बीच में लाने की क्या आवश्यकता है? तब का जो साक्षात अपरोक्ष तत्व है, जो ऐन्द्रियक नहीं है, मानस नहीं है, जो परोक्ष नहीं है, तब कौन रह जाता है? शेष कौन रह गया?
जो उसका प्रकाशक है वही शेष रह गया, और वो प्रकाशक दिक् कालादि कल्पनावत जो अंतकरण है, उस अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य और कल्प्यावच्छिन्न शक्यावच्छिन्न चैतन्य दो नहीं होते, एक ही होता है। इसलिए देश परिच्छेद से रहित, काल परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित स्वयं, यही श्रीमद् भागवत के अंत में राजा परीक्षित को यही उपदेश किया श्री सुखदेव जी ने। अहम् ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम् परमं पदम। ब्रह्मा भिन्न आत्मा है, इसको तो उपासक भी मानते हैं। सायुज्यादि के द्वारा उत्क्रमिष्यतः एवं भावात इति औडुलो में ही प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम आस्मरथ्यः अवस्थिते है इति काशकृत्स्नः। सिद्ध रूप से ये आत्मा जो है ये ब्रह्म ही है, इसको ब्रह्म होना नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है ही। ओ नारायण, आओ आत्मा इति उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, ग्राहयन्ति च, ब्रह्म जो है वो आत्मा ही है ऐसा अनुभव करते हैं और दूसरों को उपदेश भी करते हैं। ये मत कहना कि ब्रह्म हो जाने पर उपदेश कौन करेगा, कौन गुरु कौन शिष्य है। ग्राहयन्ति च, स्पष्ट सूत्र जहां बोल रहा है ग्राहयन्ति च, वहां कौन कहने वाला है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद कोई उपदेष्टा शेष नहीं रहेगा। अरे बाबा, वहां तो ये भी कहते हैं कि उत्तराघ भी होता है, पूर्वाघ भी होता है, उत्तराघ भी होता है। उत्तराघ पूर्वाघ है, ओहो अश्लेष विनाशौ तद व्यपदेशात् न कर्मणा लिप्यते पापकेन एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, न कर्मणा वर्धते नो कनियान। ये हमारी श्रुति, श्रुति भगवती श्रुतेक गम्य, श्रुतेक गम्य प्रत्यक्ष अहम् ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, तब ये कहो ना कि मैं ब्रह्म हो जाता हूं। क्या नहीं, अहम् ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमं पदम। आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। उत्क्रमिष्य उत्क्रमिष्यन् आत्मा ब्रह्म न भवति अवस्थिते है ब्रह्मैव ज्यों का त्यों। अवस्थिते है ज्यों का त्यों, इसी से न कहीं आना है और न कहीं जाना है। ये तो साधन के लिए कि मनुष्य का जीवन पवित्र हो। नानुष्ठानं विना वेद वेदनं पर्यवस्यति ब्रह्मधीस्तावतैव स्यात् सफलेति परामता। अनुष्ठान के बिना वेद ज्ञान सफल नहीं होता है। वेद कर्मकांडात्मक अपर विद्यारूप वेद और वेदानुसारी शास्त्र, इनका अध्ययन करो, परंतु अनुष्ठान के बिना वे सफल नहीं होते हैं। परंतु ब्रह्मधीश तावतैव स्यात् फलदा, ब्रह्म विद्या जो है वो तो केवल ज्ञान मात्र से ही, वेदन मात्र से ही सफल हो जाती है। क्या रहस्य है इसका? वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना। वेद ही नहीं पढ़ना चाहिए, वेद का रहस्य भी जानना चाहिए। वेद कृत्स्नोऽधिगन्तव्यो, मनु जी कहते हैं वेद का एक रहस्य है, उस रहस्य को जानना चाहिए। आप देखो, यदि जिसको हम जान रहे हैं
जिसका ज्ञान हो रहा है वो हमसे दूसरा होता, कोई अलग। तो जानकर उसको पाना पड़ता। आत्मा अतिरिक्त यदि ब्रह्म होता तो जानकर उसको पाना पड़ता, और पाने के लिए कर्म करना पड़ता, उपासना करनी पड़ती, योग करना पड़ता, साधनांतर की आवश्यकता होती है। यदि ब्रह्म आत्मा से भिन्न हो तो, और यदि आत्मा ही ब्रह्म है तो क्या कर्म करके चल के उसके पास जाओगे कि हाथ से उसको पकड़ोगे? क्या आंख बंद करके ध्यान करने से वो मिलेगा? क्या समाधि लगाने से मिलेगा? वेदांत मत में निर्बीज समाधि नहीं होती। कैसी भी समाधि हो वो सबीज ही होगी, क्योंकि दूसरे दिन समाधि के उत्थान के पश्चात समाधि के पूर्व का स्मरण होगा। यदि समाधि काल में संस्कार की प्रवाहिता नहीं रहेगी तो पूर्व स्मृति समाधि के अनंतर होगी ही नहीं। इसलिए जो अपने से भिन्न होता है उसको पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, जो अपने से भिन्न होता है उसकी उपासना करनी पड़ती है, जो अपने से भिन्न होता है नारायण उसको छोड़ करके निरोध करना पड़ता है और समाधिस्थ होना पड़ता है। ये तो अपना आत्मा है नारायण, यही वैदिक, यही औपनिषद सत्य है। प्रपंच चाहे परिणाम हो, चाहे विवर्त हो, चाहे आरंभ हो, नारायण उससे हमारा कोई मतलब नहीं। ये वाद विवाद तो पंडित लोगों के जिम्मे है, वो जो है वो बौद्धों का निरसन करने के लिए, जैनों का निरसन करने के लिए, सद्वाद का निरसन करने के लिए, असद्वाद का निरसन करने के लिए, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता की भले व्याख्या करें। वो प्रमेय है कि अप्रमेय, और गीता तो अप्रमेय बताती है। अंतवंतय में दो देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य। न्याय वैशेषिक तो प्रमेय पदार्थ का वर्णन करते हैं, उनका हमारे पास उनके प्रमेय प्रमाण और प्रमाता के घेरे से जो परे है उसकी व्याख्या भी कैसे करेंगे? प्रमाण प्रमाता च प्रमाणम च प्रमेयम प्रमितिस्तथा यस्य प्रसादात् सिद्ध्यन्ति तत् सिद्धौ किमपेक्षते। तो ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य। अब रही बात कि ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति हानिकारक है कि नहीं, तो बोले ज्ञान होने के बाद निवृत्ति का आग्रह भी उचित नहीं है। निवृत्ति अपि मर्दनाति सम्यक बोध प्रवृत्तिवत्। सम्यक बोध जैसे प्रवृत्ति का उपमर्दन कर देता है वैसे ही निवृत्ति का भी उपमर्दन कर देता है। वहां न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है न परम स्वातंत्र्य। परम स्वातंत्र्य, ये परम स्वातंत्र्य जो मुक्ति जो है आत्मा का स्वरूप है। मुक्ति कुछ प्राप्तव्य नहीं है, त्यक्तव्य नहीं है नारायण, ज्ञातव्य भी नहीं है, अन्य नहीं है। ज्ञातमेव नित्य ज्ञातमेव ज्ञायते नित्य निवृत्तमेव निवर्तते। आओ नारायण वयम तु स्वप्रकाशे चिदात्मनि ब्रह्मणि सुखम एकम ब्रह्मास्त्रमादाय। अब आओ आपको ये वृंदावन बिहारी का जो वर्णन है ना, वेदों का आपको सुना दें। वेदों का तात्पर्य परम तात्पर्य वेदों का, किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत इत्यस्यार्दयम् लोके नान्यो मद्वेद कश्चन माम विधत्ते अभिधत्ते माम विकल्प्या पूज्यते त्वहम एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय माम भेदाम माया मात्रम अनूद्य अन्ते प्रतिषिध्य
प्रसीदति। नारायण इससे अधिक वेदों का तात्पर्य, कहते हैं मेरे सिवाय और कोई जानता ही नहीं वेदों का तात्पर्य, मैं जानता हूं। क्या विलक्षण भागवत का वेदांत है, ये भागवत का वेदांत है। जनिम सतः सतो मृतिम उतयात्मनिजेच भिदाम विपणमृतम स्मरन्त्युपदिशन्ति तयारूपितैः त्रिगुणमयः पुमान् इति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्र सभवेदवबोधरसे। वो मिटेगा, जनिम सतः सतो मृतिम उत आत्मनिजेच भिदाम, जो आत्मा को अनेक मानते हैं। विपणमृतम स्मरन्ति, यहां ये करो तो वहां ये मिलेगा, ऐसा जो विपण है उसको जो सत्य समझते हैं। का उनका उपदेश क्या है, का उपदेशांति तो आरोपित ही, वो केवल अध्यारोप के द्वारा ऐसा प्रतिपादन करते हैं। न असती मुक्ति का जन्म होता है, न सदबंधन की निवृत्ति होती है, न आत्मा में भेद होता है, न विपण रित होता है। कतब का ये सब अध्यारोप है। त्रिगुणमय पुमान इति भिदा यदबोध कृता, कृति में जो उन्होंने जन्म मरण सुख दुख आदि को भेद का निमित्त मान, पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रिगुण विपर्ययाच, वो तो सारा का सारा प्रकृति में है। प्राकृत हेतुओं से उन्होंने आत्मा में भेद सिद्ध किया है, सर्वथा औपाधिक है। आत्मा को द्रव्य रूप में सिद्ध करेंगे तो उस द्रव्य का ज्ञाता कौन होगा, उस द्रव्य का दृष्टा कौन होगा। नारायण तो विपण अमृतम स्मरन्ति उपदिशन्ति तयारूपितैः त्रिगुणमय अपमान इति भिदा यदबोध कृता, जिस वस्तु के अबोध से अज्ञान से ये सब भेद उत्पन्न हुए हैं। त्वयि न ततः परत्र, तुम इन सबसे परे हो, अवबोध रस हो, उसमें ये सब विदा ये सब भेद बिल्कुल होते ही नहीं। ये श्रीमद् भागवत का नारायण भवतन निरसनेन भवन निधना, ये संपूर्ण वेद जो हैं वो अतद्व्यावृत्त्याजम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, अतद्व्यावृत्ति के द्वारा परमात्मा का निरूपण करती है। अब रहा नारायण मुक्त का जीवन, जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। उसके लिए कोई बंधन बनाओ, ये करो ये मत करो, करे भाई हे जीवन मुक्तो आ जाओ वृंदावन में। ये जीवन मुक्तों का, जीवन मुक्तों के लिए आह्वान है, आइए यहाँ। आप देखिए यहाँ तो वेद तरव प्रतिशाखम, वेद वृक्ष में एक एक शाखा ढूंढ के देख लिया, कहीं दृश्य रूप से ब्रह्म नहीं मिला। यहाँ तो महाराज कदम्ब के वृक्ष पर, सदम्बे सुसिद्धम कदम्बे पि कुर्याम, हाँ जो अच्छे कुल में पैदा हुए, अच्छी माता से पैदा हुए, उनको जो वस्तु मिलती है वहां कथ कुत्सिता अम्बा यस्य तस्मिन कदम्बे कदम्ब वृक्षे पिकुर जाऊं, सदम्बे सुसिद्धम कदम्बे पिकुर जाऊं। जो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न सज ज्ञान संपन्न है उनको जो प्राप्त होता है वहां आओ वृंदावन में, वेद वन में हमको मत ढूलो, वेद क्या है, मृगयमाम वृंदावने बने वृंदावनेशु तरव तरव पश्य, और जगह मत ढूंढो, यहाँ वृंदावन में तो एक एक वृक्ष में देखो। एक वृक्ष है उसका नाम है कदम्ब, ब्रह्म बनम ब्रह्म वृक्ष आस, ये कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद का पाठ है। और किंतद बनम किंचित बनम कौ वृक्ष आस, ये शुक्ल यजुर्वेद का पाठ। आओ वृंदावन में
देखो लता में तरु में लता रता, जो भगवान की प्रेमिका हैं वो यहाँ लता होकर रहते हैं, और तरुहु तरवा तरंती नारायण, ये नारायण मुक्त होकर के यहाँ आते हैं और यहाँ लता वृक्ष के रूप में निवास करते हैं, वो है ये वृंदावन वृंदारण्य। अयोध्या और अरण्य का एक ही अर्थ है महाराज, वहां यहां रण के योग्य कोई नहीं है और वहां युद्ध के योग्य कोई नहीं है, न अयोध्या अष्ट अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूह अयोध्या, हाँ देवानाम पूह पूह पुरी देवताओं का निवास स्थान अयोध्या है नारायण। ऋग्वेद में तो वो जहाँ कृषि कर्म का आरंभ होता है वहाँ सीते बंदा महे त्वा, सीते बंदा महे त्वा, हे सीते हम तुम्हारी वंदना करते हैं। कृषि के प्रारंभ में लांगल के मुख की पूजा करते समय सीते सीते बंदा महे त्वा, लेकिन प्रकारांतर से सीता का नाम तो आ गया है, भद्रो भद्रया सचमान आसी, राम भद्र श्री सीता जी के साथ सम्मिलित रूप से निवास करते हैं, भद्रो भद्रया सचमान आसी। परंतु श्रीमद् भागवत ने भद्र शब्द नहीं रखा, सुभद्र शब्द रखा हो, भद्रं करणे भी श्रृणुयाम की जगह सुभद्र श्रवसे नमो नमः, जिसका यश भद्र नहीं सुभद्र है, भवद रमयति इति भद्रम, नैरुक्त व्युत्पत्ति है, भवद रमयति इति भद्रम, जो अपने साथ आनंद लेकर आता है नारायण उत्तर क्षण के लिए, धर्म जो है वो उत्तर क्षण में आनंद उत्पन्न करता है, उत्तर काल में आनंद उत्पन्न करता है, परंतु ये जो भगवत चरित्र है भद्रमपि बात है मे मनः तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर् जन्मानि कर्माणि च जानि लोके, गायश्च गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद संगः। ये है महाराज यहाँ की श्रृण्वन, सुनो क्या सुने का सुभद्राणे, बड़े मंगलमय, किसका करथांग पाणेर नामाने, जिन्होंने अपने हाथ में चक्र ले रखा है काल चक्र, सुसारथि रस्वानिव, काल चक्र जिसने अपने हाथ में ले रखा है उसका, काल जासु को दंड, भगवान श्री रामचंद्र के हाथ में जो धनुष है वो क्या है, काल जासु को दंड, काल ही भगवान का धनुष है, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं काल जासु को दंड, काल जिसके हाथ में है रथांग पाणि, रथांग माने काल, रथांग पाणि, लेकिन यहां रथांग पाणि शब्द का अर्थ है कि जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की आज जो हरिहीन शस्त्र गहाँ तो लाजौ गंगा जननी को संतन सुतन कहाँ, नारायण हमारे घर में हमारा नाम शांतनु रखा गया था जन्म का, तो किसी पंडित ने कहा संतनु होना चाहिए, समतनोति इति संतनु हो, परंतु महाराज हमारे पितामह ने कहा कि नहीं शांतम नौती, जो शांत सत्पुरुषों को के सामने नमस्कार करे उनकी स्तुति करे शांतम नौती, शांतनु नाम रहेगा, संतनु तो भीष्म पितामह के पिता होंगे उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, शांतनु नाम रहेगा। तो महाराज कैसे हैं भगवान को संतनु सुतन कहा,
प्रतिज्ञा की, और जब उन्होंने अर्जुन को क्षत विक्षत कर दिया शस्त्रों से, तो महाराज लय रथ चक्र चरण कौ धावन नहीं बिसरत वहान, वा पटपीत की फहरान, और कर धरे चक्र चरण कौ धावन नहीं बिसरति वहयान, ले करके रथ चक्र दौड़ पड़े महाराज भीष्म पितामह को मारने के लिए। उस समय का वर्णन है, रथांग पाणे हैं ऐसे दयालु महाराज, जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भी अपने भक्त की प्रतिज्ञा का को पूरा करते हैं, भीष्म की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। दो काम एक साथ, भीष्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करना और अर्जुन की रक्षा करना। एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, इधर भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हो रही है, इधर अर्जुन की रक्षा हो रही है। इसी से महाराज गीता में जब अर्जुन से कहने लगे, तो अर्जुन से कहा कि अर्जुन अर्जुनात अर्जुनः ऋजुत्वात् अर्जुनः इति नीलकंठः। नीलकंठ कहते हैं ऋजु होने के कारण, इसका नाम सरल होने के कारण अर्जुन है। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। क्यों? का हमारी प्रतिज्ञा पर कौन विश्वास करेगा? मैं तो भक्त कोई आ जाएगा सामने तो प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा, लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो। कौन्तेय प्रतिजानी ही, प्रतिजानी ही क्रियापद का अर्थ नारायण मैं प्रतिज्ञा करता हूं ये नहीं है, मेरी ओर से तुम प्रतिज्ञा करो कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता। वो महाराज भगवान में भगवान के लिए भागवत में भक्त भक्तिमान शब्द का प्रयोग है। भगवान भक्तों के भक्त हैं, हम भक्तन के भगत हमारे। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे, मैं अपन यह मेरा व्रत है। ददाम एतद् व्रतम ममा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च जाचते अभयम् सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम रथांग पाणे। श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि। अद्भुत है, वो कहते हैं अरे बाबा ब्रज में कोई कान्हा कह के पुकारे, कन्नड़ कह के पुकारे, कन्हैया कह करके पुकारे, कनुआ कह करके पुकारे, लोके गीतानि अवैदिकान्यपि, अवैदिकान्यपि लोके गीतानि, भले रसिया गावे। यहाँ महाराज बड़े बड़े गाने होते हैं, यहाँ के संगीत का नाम है सर्वोत्तम संगीत है। यहाँ रसिया ढोला जो रस बरस रहे हो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाए, ऐसी ये रसीली ब्रजभूमि जा नामानी लोके गीतानी, गीतानी नामानी तदर्थकानी, गायन गाओ रस ले। गान का अर्थ बोलना नहीं, उच्चारण मात्र नहीं है, रसास्वादन करते हुए गान करो। कब बोले भाई खाना पीना कहाँ मिलेगा, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, कब बिलज्जा लज्जा छोड़ दो, और असंगा किसी का संग मत करो, कहीं संजन न हो, किसी के साथ चिपको मत। ये ब्रजभूमि की जो बालुका है महाराज, चले जाओ मगध देश में, कीकट देश में, महाराष्ट्र में भी चले जाओ पंढरपुर, तो यहाँ तक घुटने तक मिट्टी लिपट जाएगी, छुड़ाते छुड़ाते परेशान हो जाते हैं। नारायण करेली भूमि में चले जाएं, भूमि के भी भाव होते हैं ना, करेली भूमि में चले जाएं तो मिट्टी लिपट जाए, वहाँ की मृतिका संगिनी मृतिका है वो, और ब्रज की मृतिका बालूशाही मृतिका इसको बोलते हैं। बालूशाही भोजन का वो नहीं, मिठाई नहीं, भोजन की मिठाई का नाम बालूशाही नहीं है। बालुका वत असंग, जैसे बालुका चिपकती नहीं है वैसे यहाँ की भूमि है, परंतु महाराज उसमें सामर्थ्य ऐसी है कि वो श्री राधा को, श्री कृष्ण को नारायण अपनी गोद में रखती है।
यदि यहाँ आचार्य के रूप में, आचार्य के रूप में लोगों को भक्ति प्रेम का उपदेश करने वाले हैं नारायण, गोपियों के रूप में श्री राधा कृष्ण की सेवा करने वाले हैं, और बांसुरी के रूप में लोगों को बुलाने वाले हैं। एक बात आप देखना विद्वानों, ब्रह्म के पास बांसुरी नहीं है, वो विमुख जीवों को आकृष्ट करने के लिए अपनी ओर, एक बहू आई हो वृंदावन में, नई बहू, सास ने कहा बेटी वो नंद बाबा का जो छोरा है ना उसकी ओर देखना मत, अरे वो बेचारी जानती नहीं थी, आंगन में बैठ के चावल साफ करने लगी, पछोरने लगी हो, उधर से कृष्ण निकले, उन्होंने पहले तो अपने पाँव का नूपुर बजाया, रुंझुन रुंझुन रुंझुन, उसने नहीं देखा, तब बांसुरी बजाई पी पी, बांसुरी पर भी नहीं देखा उसने नारायण, उसके बाद नाचने लगे तब भी नहीं देखा उसने, अब उठा के एक कंकड़ जो मारा उसकी ओर, एक कंकड़ जो मारा सो झट आंख उठा के उसने देखा, और वो चावल का जो पात्र था उसको फेंक दिया और आकर के श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि पर नृत्य करने लगी। विमुख जीवों को अपने सम्मुख करने के लिए ये वंशी नारायण, ये मुरली मुरहर रंधन समये माँ कुरु वंशी रवम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृषानुरप्येति कृषतरताम। आग बुझ जाती है, आप रसोई बनाने के समय कृपा करके बांसुरी मत बजाया कीजिए। माँ प्रेक्षिष्ठास्तव जदि सखे गोविंदाख्याम हरितनुमितः केशी तीर्थोपकंठे, माँ प्रेक्षिष्ठास्तव जदि सखे बंधु संगे तिरंगा, केशी घाट के पास गोविंद देव विराजमान हैं, मेरे प्यारे मित्र यदि तुम अपना घर द्वार परिवार बनाना चाहते हो तो कभी उनका दर्शन मत करना। गोपी बोलते हो श्री रूप गोस्वामी जी महाराज का वचन है, माँ प्रेक्षिष्ठा स्तव यदि सखे बंधु संगे तिरंगा, यदि भाई बंधुओं में रहना चाहते हो तो गोविंद देव जी का दर्शन मत करना, नहीं तो सब छूट जाएगा। ऐसा है यहाँ वृंदावन वृंदारण्य, द्रुमे द्रुमे पश्य, देखो यहाँ तो श्री कृष्ण के सर्वत्र दर्शन हो रहे हैं, यही ब्रह्म है। ये ब्रह्म, ये अन्वय नहीं है, ये व्यतिरेक नहीं है, ये अन्वय व्यतिरेक से व्यावृत्त नहीं है, ये तो साक्षात अपरोक्षात श्री कृष्ण ब्रह्म है। सर्वेषाम एव भूतानाम नृपस्वात्मैव वल्लभः, तो तेषाम अपि आत्मना आत्मनाम अपि आत्मा श्री कृष्णः प्रियादपि प्रियतरः प्रियादपि प्रियतमः। अच्छा, अब आप लोगों से प्रार्थना ये है कि वैसे तो इस आयोजन का समापन आज ही करने वाले थे हमारे उत्सव समिति के सदस्य लोग, परंतु अभी कई महापुरुष आज आ गए और कई विद्वान और आ गए, और श्रोताओं की रुचि भी दिखती है, तो कल प्रातः और भी विद्वान आने वाले हैं, और भी लीला होने वाली है यहाँ, जो शायद आप लोगों में से कभी किसी ने देखी हो कि नहीं।